नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन सी नई भर्तियों के विज्ञापन आ सकते हैं उसको लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ था वो सिर्फ एग्ज़ाम डेट को लेकर के था, उसमें किसी भी नई वैकेंसी को लेकर के नहीं था। हाँ, जो मैं नई वैकेंसी आने वाली है उनकी एग्ज़ाम डेट उसमें ज़रूर मेंशन रहे हैं। जैसे आप देखेंगे PET 2022 या फिर इसी तरह से एक और नई भर्ती का विज्ञापन जिसके एग्ज़ाम तारीख उसमें मेंशन था, या फिर आप देखेंगे अभी जो SI LDA UDA वाली भर्ती का विज्ञापन जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं, तो उसमें किसी भी नई भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर के कोई भी सूचना नहीं दी गई। तो यहाँ पर साथियों बात करेंगे किन किन नई भर्तियों के विज्ञापन आ सकते हैं। तीन आरक्षित इन्होंने डेट छोड़ रखा है, जिसमें कोई अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता तो उन एग्ज़ाम की डेट उसमें आ सकती है, या फिर किसी नए विज्ञापन की डेट उन आरक्षित तिथियों में देखने को मिल सकती है। एक तो आपका AGTA की वैकेंसी हो गई, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो गई नई वाली, स्टेनो की भर्ती हो गई। एक आप देखेंगे बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भी अधियाचन मिला हुआ है आयोग को। वीडियो में भी लगभग 2000 पदों का अधियाचन यहाँ पर है। लोअर की नई भर्ती को लेकर के आप देखेंगे 1000 पद, काफ़ी लंबे समय से चीज़ें बताई जा रही हैं 2020 से ही कि 1000 पदों पर विज्ञापन आएगा, 1000 पदों पर। तो अभी जो है लगभग 800 से 900 पदों पर विज्ञापन इसका आ सकता है, लोअर नई भर्ती का, लोअर PCS 2022 नई भर्ती का विज्ञापन। एक अकाउंटेंट भर्ती भी है, इसमें शायद कुछ नियमावली में संशोधन भी होना है। PET 2022 का जो फॉर्म है आपका वो जुलाई तक आ जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम है, या फिर हो सकता है कि जून लास्ट तक ही आ जाए, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो भर्तियाँ आपको हमने यहाँ पर दिखाई हैं AGTA, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, बाल विकास, ये तीन ऐसी भर्ती हैं जिनके विज्ञापन आपको PET 2021 के आधार पर देखने को मिलेंगे या मिलना चाहिए, प्रबल चांस है, जो अभी आयोग से प्राप्त जानकारी है। वीडियो की जो नई भर्ती है लगभग 2000 पदों पर, 2100 पदों पर, और लोअर PCS की जो नई भर्ती लगभग 850 पदों पर, ये दोनों विज्ञापन आपको इसी वर्ष के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये दोनों विज्ञापन PET 2022 के आधार पर इनके विज्ञापन आने के चांस हैं, साथ में अकाउंटेंट भर्ती भी, और इसके अलावा हो सकता है कि कोई और विज्ञापन भी हो, या क्योंकि आप देखेंगे जितने भी विभाग हैं अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए थे 31 मई तक दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो अभी किन किन और जो भर्तियां हैं या फिर जो विभाग हैं उनसे अधियाचन आयोग को प्राप्त होते जाएंगे, तो उसी क्रम में आपको आगे की और सही जानकारी मिलती जाएगी कि किन भर्तियों के विज्ञापन आने वाले समय में आ सकते हैं नोटिफिकेशन। लोअर 2019 जो DB है, एडमिट कार्ड आपका है, ये देखिए भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट होगी, अधिकतम 1.5 से 2 महीने में ये भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब DB कार्ड आप समय अगर छोड़ देंगे तो उसके बाद 1-1.5 महीना आप समय और मान के चलें, डाटा फीडिंग वगैरह वो सब कंप्लीट करके 1.5-2 महीने या 2.5 महीने में ज्वाइनिंग वगैरह सब कंप्लीट इसमें हो जानी चाहिए। तो अभी जो है चार तक मान के चलें आप, 3 या 4 तक जो है इसका एडमिट कार्ड आना आ जाना चाहिए, या फिर हो सकता है 4 के आसपास, कभी भी 4 को आ जाए, 5 को आ जाए, 3 को तो कम चांस है, 4 या फिर 5 को इसका एडमिट कार्ड आ सकता है DB वाला। तो डॉक्यूमेंट्स कोई भी आपका छूटना नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पहले से आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स आप और फोटोकॉपी वगैरह सब करवा लीजिए उसकी, जो भी आपको आवश्यक जितने भी प्रमाण पत्र इसमें लगने होंगे सारे प्रमाण पत्र आपकी फाइल में होने चाहिए। तो ये साथियों UPSSC नई वैकेंसी को लेकर के और साथ में लोअर 2019 DB को लेकर के सूचना थी, और साथ में यहाँ पर जितनी भी नई भर्तियाँ आनी है या फिर PET 2022 का आवेदन होना है या उसके संबंध में जो भी सूचना थी उसके बाद की भर्ती और उसके पहले की जो भर्ती यहाँ पर PET 2021 के आधार पर आ सकती है। इसके अलावा देखिए लेखपाल 2022 PET परसेंटाइल कट ऑफ को लेकर के लगातार जो है आयोग में मंथन चल रहा है, इसके पहले 30 अप्रैल तक ही ये नोटिस आने वाला था, लेकिन देखेंगे छात्रों की लगातार मांग चल रही है, पत्र लिखा गया आयोग के चेयरमैन को, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर फिर से। और 10 मई के आसपास तक नोटिस आने की प्रबल संभावना है, 10, 11, 12 मई, 15 मई से पहले पहले नोटिस आ जाना चाहिए। और अभी छात्रों को यही नहीं पता चल पा रहा कि हम तैयारी किस प्रकार से करें, हमारा मेंस के लिए एडमिट कार्ड आएगा भी कि नहीं आएगा, हम मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, तो इस पर थोड़ी सी तेज़ी आयोग को दिखानी चाहिए, हमारा निवेदन है, हम सभी का निवेदन है आयोग के चेयरमैन सर से। बाकी साथियों तैयारी करते रहिए आप सभी, यहाँ पर मौका मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो किसी और भर्ती के लिए देखेंगे या फिर PET 2022 के लिए देखेंगे, लेकिन तैयारी आप सभी करते रहिए।
क्योंकि अगर अभी आप पीईटी परसेंटाइल कट ऑफ का इंतजार करते रह गए और फिर मान लीजिए आपको मौका मिल गया, आपकी तैयारी नहीं हो पाई कम्प्लीटली, तो फिर आप पछतावा होगा कि काश हमको थोड़ा पहले बताया गया होता। तो वहाँ पर तो आप सभी जानते हैं कि आयोग तो जिम्मेदारी लेगा नहीं, उनको तो कोई मतलब है नहीं आपको कितना समय मिला पढ़ाई करने के लिए। तो इसलिए अपने स्तर से आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको सही रखिए, बाकी आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करते रहा करिए। धन्यवाद।